सुरेंद्र धीमान इंसा को देशद्रोह के मामले में पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें पंचकुला सेशन जज ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम को यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकुला में भड़की हिंसा और आगजनी को लेकर पंचकुला पुलिस ने आदित्य इंसा, सुरेंद्र धीमान इंसा सहित 5 लोगों के खिलाफ दंगे भड़काने और लोगों को उकसाने का मामला दर्ज किया था। पुलिस द्वारा इन 5 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। पंचकुला पुलिस ने 5 आरोपियों में से 1 आरोपी सुरेंद्र धीमान इंसा को गिरफ्तार किया है। पंचकुला के डीसीपी मनवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि अन्य 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। सुरेंद्र को गिरफ्तार किया गया है और वही दंगे भड़काने का, लोगों को उकसाने का आरोप है, सारे आरोप उसको कल गिरफ्तार किया गया है और 7 दिन का पुलिस रिमांड उसका न्यायालय से ले लिया गया है। इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था इनिशियली और उनके